हेलो एवरीबॉडी। सो क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रल इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट -1 to 1 x^9 -5x³ +3x+e^x - e^-x+2 (x²+1)। सो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, राइट? कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको जो लिमिट है ना, ये लिमिट देखो आप, अगर कभी भी लिमिट आपको -a to a के फॉर्म में हो और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हो, तो ऑलवेज आप चेक करो कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है ना। ऑलवेज आपको चेक करना है कि ऑड है या इवन है। हो सकता है आपको डायरेक्ट फंक्शन वहां पे नहीं दिया हो, तो आप फंक्शन को ब्रेक करके चेक कर लो, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि अगर -a to a f(x) dx और अगर यहाँ पे आपका fx ऑड फंक्शन निकले, तो इसका डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। कब? जब आपका fx यहाँ पे क्या हो, ऑड फंक्शन हो, राइट? और जब fx इवन फंक्शन होता है तो क्या आंसर हो जाता है? 0 to a 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, fx dx हो जाता है, जब हमारा क्या हो, fx इवन हो, है ना? ये चीज हमें पता है, राइट? तो ऐसा ही कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब आप देखोगे तो यहां से यहां तक जो टर्म है ये x से रिलेटेड है और ये जो टर्म है आपका अलग है। तो अगर हम ऐसा लिख दें इंटीग्रल को, जरा देखना, -1 to 1 x^9 -5x³ +3x +e^x -e^-x और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे कर दें x²+1, ठीक है? अब इसके साथ साथ आपका ये भी है 2 upon x²+1, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है? अब obviously यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, लाइक दिस इज -1 to 1 और ये जो आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, x^9 5x³ x^-5x³ x^9 -5x³ +3x+3x +e^x - e^-x, राइट? ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आपका कितना, x²+1, ठीक है? ये dx एंड प्लस 2 upon x²+1 dx एंड ये आपका -1 to 1। अब आपके पास देखो यहाँ पे दो तरह का, अगर आप इसको fx कंसीडर करते हो और इस वाले को gx, ठीक है? तो आप दोनों चीजें फाइंड आउट कर लो। अब आपको अगर ये fx है, चेक करो कि ऑड है या इवन, तो आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि अगर f-x आपका fx के बराबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि fx क्या आपका इवन फंक्शन है, और f-x अगर fx के बराबर आ जाए नेगेटिव के साथ, f-x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -x नेगेटिव एफ एक्स, तो इसको क्या करेंगे कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है? अब आपके पास ये एफ एक्स है, आप यहां से फाइंड आउट करो f-x, f-x करोगे, देखना जरा, -x^9 ऑब्वियसली यहाँ पे आपको -x^9 मिलेगा एंड यहां से देखो ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका --+5x³ हो जाएगा और यहाँ पे -3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा e^-6 एंड -e^x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे x -x का स्क्वायर करोगे तो x²+1 मिलेगा, राइट ना? अब अगर देखो जरा यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x^9 -5x³ +3x एंड यहाँ से आपको कॉमन हो जाएगा e^x -e^-6 एंड डिवाइडेड बाय क्या मिल गया, डिवाइडेड बाई x²+1, दैट मीन्स ये आपका क्या रहा, -fx के बराबर। तो देखो जरा f-x आपका किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ fx के, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि fx आपका यहाँ पे क्या है, ऑड फंक्शन है, और fx जब ऑड फंक्शन हो गया तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको बच गया आपके पास ये, है ना? अब आपके पास क्या बच गया, सो 2 upon x²+1 dx -1 to 1।
अब आप देखो यहां से अगर आप इसको जी एक्स मान लेते हो, जी एक्स बराबर टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी माइनस एक्स निकाल दो तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहेगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर आपको एक्स स्क्वायर ही मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, जी एक्स, मतलब ये क्या हो गया आपका इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई, जीरो टू वन, ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, टू बाहर कर लो तो फोर जीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, टैन इनवर्स एक्स, लिमिट लगा दो आप जीरो टू वन, तो कितना हो जाएगा, फोर इंटू टैन इनवर्स वन माइनस टैन इनवर्स जीरो। अब आपको पता है यहाँ पे टैन इनवर्स वन मतलब पाई बाई फोर, और ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, दैट मीन्स पाई विल बी द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, पाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।